दोस्तों अगर आप भी आईफोन यूजर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आप जिस तरीके से अपना आईफोन यूज करते हो ये वीडियो आपके पूरे आईफोन के यूज करने के तरीके को बदल देगी। आज मैं आपके लिए 5 ऐसे शॉर्टकट लेके आया हूँ जो आपका आईफोन बहुत ज्यादा इजी कर देंगे। जिस तरीके से आपने अभी तक आपका आईफोन जिस तरीके से यूज किया है ये वीडियो देखने के बाद आपके आईफोन का यूज करने का तरीका पूरा बदल जाएगा। इन 5 शॉर्टकट से आपका आईफोन बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 5 शॉर्टकट काफी अमेजिंग है, एक एक करके मैं आपको सारे शॉर्टकट बताऊंगा आपको आपके फोन के अंदर कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं पहले शॉर्टकट की। तो दोस्तों अभी तक आप अपने आईफोन के अंदर वाईफाई और ब्लूटूथ को कंट्रोल पैनल से ऑफ करते थे कुछ इस तरीके से, लेकिन दोस्तों ये कंट्रोल पैनल से अगर आप जब भी वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑफ करते हो तो वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ नहीं होता है, वो वाईफाई और ब्लूटूथ सिर्फ डिस्कनेक्ट होता है उस डिवाइस से जिस डिवाइस से वो कनेक्ट होता है। इनको ऑफ करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से सेटिंग में जाके कुछ इस तरीके से ब्लूटूथ को और वाईफाई को ऑफ करना पड़ता है, तब जाके ये वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ होते हैं। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊंगा आप होम स्क्रीन से वाईफाई और ब्लूटूथ को वन क्लिक के अंदर ऑफ कर सकते हो। उसके लिए आपको आपके शॉर्टकट जब बनाना है उसके लिए आपको शॉर्टकट में जाना है। शॉर्टकट में आपको यहां पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली प्लस पे क्लिक करना है और आपको ऐड एक्शन पे क्लिक करना है। ऐड एक्शन पे आने के बाद आपको सिंपली यहां पे वाईफाई सर्च करना है। जैसे ही वाईफाई आ जाएगा आपको सिंपली सेट वाईफाई पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर ये ऑन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली इसको ऑफ कर देना है। और इसी तरीके से यहाँ पे सेट ब्लूटूथ का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पे ब्लूटूथ को भी ऐड कर देना है और यहाँ पर इसको ऑन की जगह ऑफ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेट ब्लूटूथ और इसका नीचे का एक ड्रॉप आइकन दिख रहा होगा उस पर आपको क्लिक करना है और आपको इसको नाम दे देना है वाईफाई और ब्लूटूथ, हम बीटी कर देते हैं इसको, कुछ इस तरीके से नाम दे देना है और डन कर देना है। डन करने के बाद अगर आप चाहो तो इसको इसका आइकन भी दे सकते हो। इसको आइकन देने के लिए चूज आइकन पे आपको क्लिक करना है और जो भी आइकन आपको देना है आप यहाँ से सिंपली उस आइकन को दे सकते हो। जो भी आइकन आपको लगाना है यहाँ पर आप वाईफाई टाइप का आइकन देख सकते हो, आप सिंपली इस आइकन को दे सकते हो। और कोई कलर चूज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चूज कर सकते हो, जो भी आपको कलर चूज करना है कुछ इस तरीके से। और आपको यहाँ पर सिंपली इसको डन करना है। डन करने के बाद आपको एक बार वापस इधर जाना है, 3 डॉट पर जाना है और यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली यहाँ से शेयर करना है। शेयर करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ऐड टू होम स्क्रीन का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, आपको सिंपली इसको ऐड टू होम स्क्रीन कर देना है और यहाँ पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको बाहर आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हो आपका वाईफाई ब्लूटूथ ऑफ का ऑप्शन आ चुका है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो मेरा वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन है। अभी मैं जस्ट सिंपली यहाँ पे वाईफाई और ब्लूटूथ पे क्लिक करूंगा और हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ यहाँ पर ऑफ हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ से शॉर्टकट से हमारा वाईफाई और ब्लूटूथ ऑफ हो चुका है। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे शॉर्टकट की। दोस्तों जिस तरीके से आपने एंड्रॉयड के अंदर देखा होगा कि हम YouTube को चलाते चलाते हम और भी वर्क कर लेते हैं अपने फ़ोन में, तो उसी तरीके से आप iPhone के अंदर भी YouTube वीडियो प्ले करते करते आप और भी वर्क कर सकते हो अपने iPhone में। किसी से चैटिंग करना है या कुछ अदर काम करना वो भी आप इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए उस YouTube वीडियो को प्ले करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दी है, आपको सिंपली उस लिंक पर जाना है। मेरी लिंक मैंने यहाँ पर पेस्ट कर रखी है, मैं सिंपली इस लिंक पर जाता हूँ। लिंक पे जाने के बाद आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट दिखेगा, यहाँ पर आपको गेट शॉर्टकट लिखा हुआ आ रहा है, ये शॉर्टकट है। आपको सिंपली इस गेट शॉर्टकट पे क्लिक करना है और इस शॉर्टकट को अपने शॉर्टकट एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर ऐड शॉर्टकट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, इसी तरीके से यहाँ पर आपको इस शॉर्टकट को ऐड कर लेना है। इस शॉर्टकट को ऐड करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। आप यहाँ पर 3 डॉट देख रहे हो, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट में आप यहाँ पे देख सकते हो अनोन एक्शन आपको दिख रहा होगा, आपको विविन ऐप स्टोर पे ये एप्लीकेशन यहाँ से मिल जाएगी। आप सिंपली यहाँ से एप्लीकेशन पे चले जाना और इस एप्लीकेशन का नाम है स्क्रिप्टेबल, आपको सिंपली इसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली यहाँ पे इसको डन करना है। डन करने के बाद इसको भी आपको यहाँ से डन करना है। अब आप जब भी यूट्यूब चलाओगे, तो हम एक वीडियो प्ले कर लेते हैं यूट्यूब में जब भी यूट्यूब चलाओगे और जब भी आपको कोई वीडियो को आपको बैकग्राउंड में प्ले करना है तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से शेयर पे क्लिक करना है। शेयर पे क्लिक करने के बाद शेयर विद अदर ऐप्स आपको दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर जाना है। शेयर विद अदर ऐप्स के अंदर आपको यूट्यूब PIP मोड दिख रहा होगा और आपको सिंपली यूट्यूब PIP मोड पर क्लिक कर देना है। अब आपकी
वीडियो जो है YouTube PIP मोड से यहाँ इतनी सी स्क्रीन के अंदर आपकी वीडियो चलने लगेगी। आपको यहाँ पे ऑलवेज अलाउ कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन छोटी हो चुकी है YouTube की, और यहाँ से मैं यहाँ पे पूरा स्वाइप अप करके अब मेरी वीडियो इजीली मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ। विद साउंड चलेगी, अभी मैंने इसका साउंड कम कर रखा है बिल्कुल, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पर ये चल रही है साउंड। और इसी तरीके से आप कोई भी वीडियो इजीली देख सकते हो और अपना कोई भी वर्क इजीली वर्क कर सकते हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे तीसरे शॉर्टकट की। तो दोस्तों आपने एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर देखा होगा कि हम हमारे ऐप्स के ऊपर भी लॉक लगा सकते हैं। उसी तरीके से आप भी चाहते होंगे आपके आईफोन की प्राइवेसी और बढ़ाने का, आपके आईफोन के ऐप पे भी लॉक लगाने का। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अपने शॉर्टकट से आप किसी भी ऐप को अपने लॉक लगा सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शॉर्टकट में जाना है। शॉर्टकट में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑटोमेशन, आपको सिंपली ऑटोमेशन पर क्लिक करना है और यहाँ पर पर्सनल ऑटोमेशन पे आपको क्लिक करना है कुछ इस तरीके से, और आपको यहाँ पर ऐप सर्च करना है। यहाँ पर ऐप आपको देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको ऐप दिख जाएगा, आपको सिंपली ऐप पे क्लिक करना है। ऐप पे क्लिक करने के बाद इसको इज ओपन ही रहने देना है, और यहाँ पर आपको चूज ऐप करना है। जिन जिन ऐप पर आपको लॉक लगाना है आपको यहाँ पर सिंपली वो ऐप सेलेक्ट कर लेने हैं। जैसे मैं गैलरी, फोन, पेटीएम, ये सब सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ ये तीन ही एप्लीकेशन सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो कोई भी और भी जितनी भी आपको एप्लीकेशन पे लॉक लगाना है वो सब सेलेक्ट कर सकते हो, और आपको सिंपली यहाँ पे डन कर देना है। डन करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड एक्शन का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर सिंपली आपको ऐड एक्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको सर्च करना है टाइमर। यहाँ पर मैं टाइमर लिख देता हूँ, और यहाँ पर जैसे ही टाइमर लिखोगे यहाँ पर स्टार्ट टाइमर पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख सकते हो 5 लिखा हुआ रहा है और मिनट लिखा हुआ रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर 5 को तो कर देना है 1, और मिनट को कर देना है आपको यहाँ पर सेकंड, और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है आस्क बिफोर रनिंग, तो आपको सिंपली इसको ऑफ कर देना है और डोंट आस्क कर देना है, और यहाँ से आपका शॉर्टकट यहाँ पर डन कर देना है। शॉर्टकट डन करने के बाद आपको पूरा बाहर आना है। बाहर आने के बाद आपको टाइमर क्लॉक में जाना है। क्लॉक में आने के बाद आपको यहाँ पर टाइमर दिख रहा होगा, टाइमर के अंदर आपको व्हेन टाइम एंड, तो आपको यहाँ पे स्टॉप प्लेइंग कर देना है, और यहाँ पर आपको स्टॉप प्लेइंग को सेट कर देना है। उसके बाद आपका लॉक लग चुका है जिन जिन एप्लीकेशन पे आपने लॉक लगाया था। तो अब आपको चेक करने के लिए आपको, जैसे हमने फ़ोन एप्लीकेशन पे लगाया था, तो जैसे ही आप फ़ोन एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है वो लॉक हो जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस लॉक को ओपन करने के लिए आपको सिंपली आपका पासवर्ड डालना पड़ेगा, जो भी आपका पासवर्ड है तभी आपका लॉक ओपन होगा। जैसे हमने गैलरी पे भी लगाया था, हम गैलरी पे लॉक लाएंगे तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लॉक लग चुका है। अब इस लॉक को ओपन करने के लिए वही आपको पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, तभी आपका लॉक ओपन होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये शॉर्टकट, आई होप ये शॉर्टकट आपको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारे चौथे शॉर्टकट पे। तो दोस्तों चौथा शॉर्टकट हमारा ये है कि आपने बहुत से टाइम अपना फ़ोन यूज़ करते हो, और यूज़ करने के बाद आप अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाकर छोड़ देते हो, और आपका फ़ोन ओवर चार्ज होता रहता है। 100% होने के बाद भी आपका चार्जर चार्जिंग पॉइंट पे लगा रहता है, और आपका फ़ोन चार्ज होता होता आपकी बैटरी ख़राब कर देता है। तो ऐसे आपको एक नोटिफिकेशन अनेबल करना है। जैसे ही आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाए आपके फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और आप उससे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन 100% चार्ज हो चुका है। उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको जाना है शॉर्टकट पे। शॉर्टकट में जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑटोमेशन पे आना है, और आपको यहाँ पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको सिंपली प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। क्रिएट पर्सनल ऑटोमेशन पे आपको क्लिक करना है, और पूरा नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे बैटरी लेवल दिखेगी, आपको सिंपली बैटरी लेवल पे क्लिक करना है, और आपको इस साइड बार को, जैसे अभी 50% हो रखा है तो आपको इसको पूरा 100% कर देना है। 100% करने के बाद आपको इसको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड एक्शन का बटन दिख रहा होगा, ऐड एक्शन पर आपको क्लिक करना है। ऐड एक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है नोटिफिकेशन, आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन करना है सर्च इस तरीके से, और यहाँ पर आपका शो नोटिफिकेशन का ऑप्शन आपको यहाँ पर आ जाएगा, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन लग चुका है। अब आपको इसको हेलो वर्ल्ड की जगह आपको इसको नाम देना है, चार्ज 100%। हम इसको नाम दे देते हैं चार्ज 100%। इस तरीके से नाम देने के बाद आपको इसको सिंपली यहाँ से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद इसको आस्क बिफोर रनिंग को आपको इसको ऑफ कर देना है, यहाँ पे डोंट आस्क कर देना है, और यहाँ से आपको इसको सिंपली डन कर देना है। आपका ये शॉर्टकट रन हो चुका है, बन चुका है, और अब आपका फ़ोन जब भी 100% चार्ज हो जाएगा तो आपका फ़ोन कुछ इस तरीके से आपको नोटिफिकेशन का पॉपअप देने वाला है।
तो देख सकते हो दोस्तों, अब आपको पता चल जाएगा जब भी आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन 100% चार्ज हो चुका है इस नोटिफिकेशन के थ्रू। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये पांचों शॉर्टकट? आई होप ये पांचों शॉर्टकट आपको पसंद आए होंगे और सारे शॉर्टकट अमेजिंग है दोस्तों। मुझे कमेंट करके आप जरूर बताना कि आपको इनमें से कौन सा शॉर्टकट ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि जब भी मैं ऐसे लेटेस्ट शॉर्टकट लेके आऊं तो वो वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। बाकी आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।